और जब आप भक्ति संगीत की तरफ आते हैं जी जो जो आपकी वेशभूषा देखकर जिसको सबसे पहले लगता है कि भक्ति संगीत में तो ये जरूर पारंगत होंगे, ये बात अलग है कि आप सब में पारंगत हैं। भक्ति संगीत में क्या कुछ गाते हैं आप, क्या कुछ आपको पसंद है ज्यादा? सूफियाना गाता हूँ जी और भजन गाता हूँ, हर प्रकार का गाना मुझे पसंद है भाई, हर गाना पसंद है जी, क्योंकि जी। जो गाना है सुर में है और सुर ईश्वर है। तो कोई भजन कोई कव्वाली? प्रेम भटिका मधवा पिलाई के, प्रेम भटिका, मैं अपने रंग में गाने की कोशिश करता हूँ। मधवा पिलाई के मतवारी कर दे रे, मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलाई के, खुसरो रैन सुहाग की, मैं जो जागी पी के संग, तन मोरा मन पीबू की, मैं तो जागी हो मैं तो रंगी, एक ही रंग है रे, मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिलाई के। और भक्ति संगीत में कुछ भजन में कुछ? राम का भीमसेन जोशी जी ने जी गाया जी 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 राम का गुणगान करिए, राम का राम प्रभु की भद्रता का, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान, इसमें मिश्र प्रयोग, गुणगान करिए राम का। देखिए मैंने पहले ही ये डिस्क्लेमर दे दिया था कि आपको सुनते जाएं तो लगता है कि और सुने और सुने और सुने, तो इसलिए आप, मैं सुनाने में थकता नहीं क्योंकि 2-3 घंटे में तो ऐसा रियाज है कि गला ही गर्म होता है। क्या बात। आपसे अगर किसी एक शास्त्रीय राग के बारे में कुछ सुनना चाहूं, बिल्कुल, जो आपका कोई पसंदीदा शास्त्रीय राग हो, थोड़ा सा अगर उसके बारे में बताएं भी तो बहुत आनंद मेरा आएगा। मिजाज वीर रस का है, मैं दरबारी ज्यादा पसंद करता हूं। अरे वाह, वीर भाव का मिजाज है तो दरबारी जो है, इसमें ख्याति तानसेन बाबा को मिली जी, बाबा तानसेन ने इसमें ख्याति प्राप्त की। दीपक राग भी गाते थे लेकिन दरबारी में, दीपक राग दुर्गा नेत्र ते प्रगट भयो, भैरव राग शंभुमुख से प्रगट, शंभुमुख ते प्रगटायो है, और केदार राग कृष्ण भगवान ने गायो और कान्हड़ा राग तानसेन ने सुनायो है, ऐसा व्याख्या आती है पुस्तकों में। रे रे ते रे 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 ना का जो गांधार है, और देव देर कुछ लोग लगाते हैं, हमारे गुरुजी बताएं जे री रे रे ना, जैसे गाय रंभा रही हो, नि ज रे ग म रे, नि ज रे ध नि प रे ध रे ध द नि म म प रे स, ये दरबारी। गजब तेरी दुनिया मालिक, गजब तेरी दुनिया मालिक, जो जाने सो गुणी कहावे, जो बिन गुण निर्गुणिया मालिक, गजब तेरी दुनिया, दधनि ज दधनि मनि दधनि पम पनि मनि नि पम प ग म प ग म रे ज दधनि पम म प दधनि रे स, गजब तेरी दुनिया मालिक, ये दरबारी। कोई फिल्मी गाना दरबारी पे जो बना हो आपको याद आता हो? हाँ, बिल्कुल, सांसों की माला पे सुमरी में फिल्मी गाने जी 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 इसका माध्यम सा मा को सा मानता हूँ। सांसों की माला पे सिमरू मैं,
पी का नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। ये जो आजकल की गायकी है मानस दास जी, जो हम देख रहे हैं, जो बॉलीवुड का गाना है, निश्चित तौर पर उसके शब्दों को लेकर एक बहुत बड़ा वर्ग है जो नाराज रहता है, आपत्ति जताता है कि गानों के बोल बहुत हल्के होते गए। लेकिन कुछ अच्छे कॉम्पोजिशंस भी आते हैं और कुछ गाने अभी भी ऐसे होते हैं जो लगता है कि नहीं यार, इसमें बहुत आराम से ठहराव के साथ संगीतकार ने जो है वो मेहनत की है। आपको कौन से ऐसे लोग हैं इस वक्त मौजूदा समय में? अरिजीत सिंह ने क्लासिकल सीखा, बेसिकल उसको लगा, अरिजीत सिंह को उन्होंने समझा कि भाई मैं नाम भले कमा सकता हूँ लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो गए पंडित अजय चक्रवर्ती जी से उन्होंने तालीम लिया। जी। एक वीडियो वायरल हुए थे कौशिकी के साथ, वो गा रहे थे। तो जो सीखे हुए लोग हैं, शंकर महादेवन हो गए, ये लोग अभी भी बुनियाद को कायम रखे हुए हैं। तो शंकर महादेवन का कुछ अगर आप सुनाएं, शंकर महादेवन का वो सुना दे रहे। ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसकी वही दर्द, दर्दी अंबर पुकारे दा 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 रे दा 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 रा दा रा ओ देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा। और अरिजीत सिंह जो बहुत गाना उनका हिट हुआ पिछले दिनों, हाँ अरिजीत सिंह ने गाया है, भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, ये गाना अच्छा लगता है। हाँ, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप जब अकेले बैठे हुए हैं और आपने व्यस्त समय से आपने दिनचर्या से खाली बैठे हुए हैं तो गुनगुनाते हो आप, जो आपको लगता है? जब मैं खाली बैठता हूं तो कुछ रचनाएं करता हूं। अच्छा, हाँ, खुद का लिखते हैं? खुद लिखता हूं। तो वो क्या बंदिश की शक्ल में? बंदिश भी हो सकता है, उर्दू का कोई बंद भी हो सकता है। अच्छा, कोई नज्म भी हो सकता है, कोई गजल भी हो सकती है। जगजीत सिंह साहब की कोई गजल अगर आपने एक तो सुनाई, हालांकि होश वालों को खबर क्या। हाँ, उनको सुनाया मैंने। हाँ, एक कुछ और, एक बहुत ही जबरदस्त गजल उनकी लगती है। तुम नहीं गम नहीं शराब नहीं, तुम नहीं गम नहीं शराब नहीं, ऐसी तन्हाई का जवाब नहीं। उनके गाने का अंदाज था, कहाँ से मुड़ जाते थे, सुनने में आसान लगेगा, बहुत कठिन गाते थे। ऐसी तन्हाई का जवाब नहीं, मखमली मुर्गियाँ नहीं, तुम नहीं गम नहीं शराब नहीं। वही मैंने जैसा मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, तो अब इंटरव्यू ख़त्म करें इससे पहले सिर्फ दो छोटी छोटी जानकारी चाहूँगा। एक तो ये कि अब जिससे हमने बात शुरू की कि अब दरअसल हिंदुस्तान आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है जी, क्या कुछ प्लान्स हैं आपके? क्या आप अपनी अपने बच्चों, जो बच्चे हैं अयोध्या के, उनको सिखाना चाहते हैं? कुछ को आप सिखा भी रहे हैं, मुझे आपने बताया। किस तरह से जो आपकी ये प्रतिभा सामने निकल कर अचानक आई है, उसका विस्तार कैसे हो, कैसे ये बहुत लोगों तक पहुँचे, और आपका जो हुनर है, जो आपकी साधना है, वो हम सब लोगों के अलावा दुनिया भर तक पहुंचे, उसका क्या प्लान है? सबसे पहले मैं अपना बुनियाद मजबूत करना चाहता हूं। जी, अवधी घराना मृदंग से नवाजा स्वामी श्री पागलदास जी ने, इसके बाद कंठ गायन प्रचारित प्रसारित नहीं हो पाया, तो मैं चाहता हूं कि पहले पूरे अयोध्या को संगीतमय बनाया जाए, इसके बाद बाहर से जो आएंगे उनको भी शिक्षा दीक्षा दी जाएगी। अयोध्या घराने को लेकर मैं आगे बढ़ा हूं। और बस आखिर में अगर श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हो जाए तो फिर तो आनंद ही आनंद है। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। क्या बात। श्री राम श्री राम।
श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। क्या बात है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद एक बार फिर से, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी शुभकामनाएं, हमारी संस्था की तरफ से शुभकामनाएं, आप अयोध्या में संगीत के प्रचार प्रसार को लेकर। एक चीज कहना चाहूंगा, जरूर जरूर, कि राग नहीं सुर नहीं तो असुर होगा, सुर नहीं तो असुर होगा, लय नहीं तो प्रलय होगा, आलाप नहीं तो विलाप होगा। क्या ये पूरे भारत को समझना चाहिए, बहुत बड़ी बात कही आप। जय श्री सीताराम। तो आपको शुभकामनाएं और कहीं भी जहां हमारी जरूरत हो हम आपके लिए हाजिर हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।